कि समान नागरिक संहिता के विषय में संघ का क्या मत है? संविधान का मार्गदर्शक तत्व तो है और इस दृष्टि से इसको कहा जाता है कि एक देश के लोग एक कानून के अंदर रहे, एक कानून के अंदर रहने का मन बने समाज का। समान नागरिक संहिता की जब चर्चा निकालते लोग तो उनका रुख रहता है हिंदू और मुसलमान, लेकिन केवल इतना नहीं है, सबकी परंपराओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, हिंदुओं की भी। फिर आज दाएं भाग भी चलता है और मिताक्षरा भी चलता है, अपने जनजातीय बंधुओं के परंपरागत कानून भी चलते हैं, ये सब विविधता को ध्यान में रखते संविधान में अनुमति है। ये सारा ध्यान में रखकर किसी एक संहिता के लिए समाज का मन बने, ये प्रयास होना चाहिए और वास्तव में देश की एकात्मता को समान नागरिक संहिता की बात पुष्ट करती है, लेकिन वो एकता के लिए है, उसके लागू करने से समाज में और गुट तैयार नहीं होने चाहिए, इसकी चिंता करते हुए धीरे धीरे उसको लाना चाहिए। ये बात मैं भी कर रहा हूँ अभी, लेकिन ऐसी ही बात अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों ने संविधान में बताई है कि सरकार इस तरफ ले जाए मामले को, तो ले जाने की ये पद्धति है कि सबका साकल्य से विचार करते हुए कैसी संहिता हो उसका विचार करना, समाज में उसके लिए मन बनाना और उसको लागू करना।